Hello, my dear students. This is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So, in this video, we will discuss the last session of unit 4, that is web applications and security. And the session that we will discuss today's project health and safety at work. And these are the various subtopics that we will cover in this video. We will start with the introduction, that is what are hazards. Then we will discuss various sources of hazard.

एंड आफ्टर दैट डू शेयर यूर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन फर्स्ट दैट इज व्हाट आर हेजर्ट अगर मैं इसकी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो हजार इज समथिंग दैट कैन कॉज हार्म में लिख देते हैं अ हजार इज समथिंग दैट कैन कॉज हार्म अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं इलेक्ट्रिसिटी से हार्म हो सकता है तो इट इज काइंड ऑफ हजार फायर राइट वॉटर इन सबसे जिस चीज से मुझे नुकसान हो सकता है दैट कैन कॉज हार्म वो आपके सारे क्या होते हैं बेटा हजार कि जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है, किसकी से हुआ है 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 किसकी वजह ठीक दोबारा डेफिनेशन देखो अगर सिंपल लैंग्वेज की बात करें हजार इज समथिंग दैट कैन कॉज हार्म जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है तो जिसकी वजह से जो हुआ है ना दैट इज योर हजार अ हजार इज एनीथिंग दैट इज द अगर मुझे शॉक लगा ठीक है अगेन वाई मी है ना किसी और का एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी एक रेंडम पर्सन इलेक्ट्रिक शॉक लग गया उसको तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ दैट इज दाइट तो जिसकी वजह से नुकसान हुआ Suppose में चलते चलते गिर गई पानी पड़ा हुआ था तो लाइफ इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री एंड द एनवायरमेंट इन विच द एम्प्लॉज वर्क अब सेम टाइप के hazard नहीं होते कि हर बार सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कहोगे नहीं

कहा से ये चीज हो सकती है राइट तो वर्क स्टेशन शुड वर्क स्टेशन आप लोगों का वर्किंग एरिया अब अगर हम इस पॉइंट को पढ़ें तो वर्क स्टेशन शुड प्रोवाइड सफिश स्पेस फॉर द यूजर टू ऑल्टर पोजिशन कंफर्टेबली अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपका जो वर्किंग एरिया वहां पर इतनी स्पेस वहां पर सफिशियंट हो कि अगर मुझे अपनी पोजिशन चेंज करने कंफर्टेबली आई कैन सिट देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम नेक्स्ट है बेटा प्रोवाइड लाइटिंग जो भी आपका वर्क प्लेस एरिया है वहां पर एडिकुएट लाइटिंग हो अगर नहीं होगी हो, हो सकता है कोई केमिकल पड़ा हो ना देखे तो दैट ऑफ तो एक तरीके से वहां पर लाइटिंग नहीं थी तो ये सोर्स ऑफ हिजार्ड है तो इसके हम सोर्सेस पढ़ रहे हैं ठीक है प्रोवाइड एडिकुएट लाइटिंग सो दट हेजार ना हो हैव विंडोज फिटेड विद एडजस्टेबल कवरिंग्स टू ऑल्टर द सनलाइट लेवल ठीक है जो आपके विंडोज हो उसमें कवरिंग मैं उसको कर के लेवल के अगर जो मेरा वर्क स्टेशन एरिया है वर्क प्लेस एरिया है वो शेयर हो रहा है तो मुझे वहां पर जो स्पेस है वो थोड़ा ज्यादा देना चाहिए नेक्स्ट है डिस्प्ले स्क्रीन के बारे में डिस्प्ले स्क्रीन अगर like, मॉनिटर की बात करूं डिस्प्ले वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स ऑफ एडिक्वेट साइज एंड स्पेसिंग जो मेरा डिस्प्ले एरिया है उनका जो साइज हो इजिली रीडेबल हो स्पेसिंग अच्छे डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड ठीक है स्टेबल इमेज स्टेबल फिक्स ऐसा ना कोई इमेज आ रही है बिल्कुल आ रही है जा रही है देख ही नहीं पा कि इमेज में लिखा क्या हुआ

स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन ना आए अदरवाइज क्या होगा स्क्रीन पर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी जो जो आपका टेक्स्ट है है या स्क्रीन पर जो भी चीज विजिबल वो क्लियर विजिबल नहीं होगी ड्यू टू द रिफ्लेक्शन यूज अ सेपरेट बेस फॉर द स्क्रीन और एन एडजस्टेबल टेबल जो आप जिस पर स्क्रीन आप रख रहे हो वो आपकी जो टेबल है वो एडजस्टेबल होनी चाहिए नेक्स्ट है बेटा की बोर्ड की बोर्ड शुड बी एबल टू टिल्ट इजिली एंड शुड बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द सी की बात करूं तो वहां पर एक ही पोजिशन में वो की बोर्ड अगर रखा रहे और फिर काम करो वो इतना इफेक्टिवली रिजल्ट नहीं निकल के आएगा तो की बोर्ड शुड बी एबल्ड टू तो टेल्ट इजिली मैं उसको इधर मूव कर सकू एंड शुड बी एबल्ड टू तो सेपरेट फ्रॉम द स्क्रीन टू अलाउ द यूजर टू एडॉप्ट कम्फर्टेबल वर्किंग पोजिशन ठीक है तभी आपने देखा होगा जो फैक्ट्री है जो इवन एमएंसी होती है वहां पर लैपटॉप की बजाय पीसीस होते हैं ठीक है काम करने के लिए वो लग पाते हैं प्रोवाइड करते हैं ठीक है बट जनरली वो क्या प्रेफर करते हैं पीसीस रीजन यही है बेटा अगर मीन्स लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन है लैपटॉप भी कंफर्टेबल है नो डाउट इट डिपेंड्स ऑन द वर्किंग एरिया

ठीक है अब हम लोगों तो प्रैक्टिस होती है कि हाँ भाई कहाँ पर कौन सा कौन सी की पर कौन सा कैरेक्टर है राइट द वर्क सरफेस शुड प्रोवाइड स्पेस फॉर द यूजर इनफ स्पेस होना चाहिए हैव अ लो रिफ्लेक्टिव सरफेस एरिया ज्यादा रिफ्लेक्शन ना आए वर्क सरफेस शुड बी ऑफ एन एडिक्वेट साइज टू अलाउ द स्क्रीन कीबोर्ड एंड अदर पेरिफेरल्स टू बी फ्लेक्सिबली अरेंज ठीक है जो आपका वर्क सरफेस एरिया है जहां पर आपने काम करना है उसका इतना साइज हो कि अगर मुझे स्क्रीन को मीन चेंज करना है इधर पोजिशन मूव करने की बोर्ड को या माउस को तो मैं उसको इजिली अरेंज कर हैव अ स्टेबल एंड एडजस्टेबल डॉक्यूमेंट होल्डर विच शुड बी एट द सेम लेवल एज द स्क्रीन एंड एट द सेम विंग डिस्टेंस कि जो हमारा डॉक्यूमेंट होल्डर है जहाँ पर मैं सारी फाइल्स रखूंगी ऐसा ना हो स्क्रीन डॉक्यूमेंट्स नीचे रखे हैं तो मैं बार बार उठा रही हूँ या मैं बार बार उस अलमीरा के पास जा रही हूँ ठीक है थीके?

या समथिंग बिग हेट हैपन तो मुझे उस टाइम पर वो वर्कप्लेस एरिया को खाली करना है दैट इज नोन एज इवेक्यूएशन इवेक्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ एम्पटिंग अ प्लेस इन केस ऑफ एन इमरजेंसी और डिजास्टर इन केस ऑफ इमरजेंसी देर शुड बी प्रोविजन फॉर इवेक्यूएशन अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो किसका प्रोविजन होना चाहिए इवेक्यूएशन का मीन्स मुझे उस रूम को क्या करना है खाली करना

इन केस अगर इमरजेंसी हो जाती है कोई भी डिजास्टर हो जाता है दिस इज द पॉलिसी दैट वी हैव टू फॉलो अब अब ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में तो काफी सारे हैं उस के मैनेजर ने क्या करा उसके पास वेरियस टीम लीडर्स थे उसने वो पॉलिसी अपने टीम लीडर्स को अच्छे से समझा दी ठीक है अब टीम लीडर्स के अंदर भी काफी सारे एम्प्लॉय होते हैं हर एक टीम लीडर में अब टीम लीडर का क्या काम है फर्दर उसके अंदर जो एम्प्लॉय हैं उनको गाइड करना

कहीं पर डाउट हो यू कैन आस्क योर योर टीम लीडर एट दिस टाइम टाइम कॉस्ट लाइफ अगर आप उस वहां पर नहीं सुनोगे कि इमरजेंसी पॉलिसी oh क्या है तो बाद में अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है इवेक्यूएशन के रिक्वायरमेंट है अगर आपने वो पॉइंट ध्यान से नहीं सुने इट कैन कॉस्ट योर लाइफ तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया नेक्स्ट पॉइंट इज मस्ट पॉइंट आप लोगों के स्कूल में है, जहां पर स्कूल की असेंबली होती है ठीक है अब अगर जैसे सपोज मॉर्निंग बेल हुई से आया कि भी आपको असेंबली में असेंबली के लिए जाना स्कूल असेंबली के लिए सबको पता है कि आपने कहा जाना है ग्राउंड में जाना है ठीक है या जो भी आपका असेंबली पॉइंट हो पता है सभी को कहा सबने जाना है असेंबली के लिए तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन मस्ट है

बडी सिस्टम सिस्टम से हमारा मतलब क्या होता है फ्रेंड, ठीक है बस आ गया पॉइंट समझ में इसी से ही सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा अब बडी सिस्टम फॉर इंडिविजुअल्स स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज मस्ट बी डेजिग्नेट मीन्स जो हमारे स्पेशल नीड के पर्सन है या जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए मैं एक सिस्टम बना करके रख दू जो उनकी हेल्प करे केस ऑफ इवेक्यूएशन

अगर कोई सारा टाइम बीमार पड़ा रहता है ठीक है या सुबह लेट उठता है ईटिंग हैबिट्स प्रॉपर नहीं है तो पूरा टाइम डिजीनेस ये सब आएगा ठीक है तो अगर अच्छा लिविंग स्टाइल है हमेशा खुश रहते हो एक्टिव रहते हो तो ऑब्वियसली काम भी आपका उतना ही बढ़िया होगा राइट अ हैप्पी एंड हेल्दी वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म बेस्ट टू हिज एबिलिटी अगर मेरा एम्प्लॉय अगर मेरा वर्कर हैप्पी है प्लस हेल्दी है

हेल्दी माइंड पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए अवॉइड नेगेटिव थॉट्स साउंड स्लीप ऐसा ना हो सिर्फ रात को दो घंटे सो रहे हो बाकी सारा टाइम काम भी कर रहे हो नो टेक अ अमाउंट ऑफ स्लीप प्लस गोल सेटिंग ठीक है जब सुबह उठो मॉर्निंग में वैसे तो लाइफ का गोल सेट होना चाहिए मॉर्निंग में उठो तो आज का लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि आज मुझे ये काम करना है ये मेरा गोल है तो गोल सेटिंग इज आल्सो रिक्वायर्ड स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी आई होप दिस सेल्सो क्लिस्टर क्लियर नाउ इसी सेशन के साथ जो आपके यूनिट फोर है आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है प्ले लिस्ट चैनल पर विजिट करो बच्चे प्लस चैनल को जब विजिट करोगे वहां पर क्लास टेन के सेक्शन में क्लास टेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट अटैच है पार्ट ए की भी है जिसमें आपके इंप्लॉयिटी स्किल्स की वीडियोज हैं